हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए व्रत में खाए जाने वाला ये आलू साबूदाने से बना पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, जिसे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी चंक्स ना रहे। अब इसी के साथ मैं इसमें व्रत में खाया जाने वाला नमक ऐड कर रही हूँ और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया था, जिसका पाउडर बना लिया, ऐड कर लिया। थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करी है और थोड़ा सा साबुत जीरा। यहाँ पे मैंने साबुदाने को 2 घंटे के लिए पानी में भिगोया था। ये अच्छे से भीग चुका है, मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा ताकि इसके मोटे मोटे चंक्स ना रहें, और इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमें पानी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि आलू में इतना मॉइस्चर होता है कि इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है, जिसमें हम बेलेंगे ताकि ये चिपके ना। इसके दोनों ही साइड में घी लगा के तैयार कर लेती हूँ, और आटे की एक लोई लेके मैं इसको बीचों में रख देती हूँ, और ऊपर का पार्ट में इसको बंद कर देती हूँ। और एक फ्लैट टाइप की मैं प्लेट लेके इसको ऊपर से हम ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ये ईजली से अच्छे से बिल के तैयार हो जाए। ये देखिए, आप चाहें तो बटर पेपर पे भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे तवा गरम है और मैंने यहाँ पे घी रख लिया है। इसी के साथ मैं अपने सारे साबुदाने के पराठे ऐड कर लेती हूँ। दोनों ही साइड से अच्छे से घी लगा लेंगे। एक साइड से पकने के बाद इसको हम पलट देंगे और दोनों ही साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे आलू साबूदाने के पराठे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर